आयत क्या कर रही है? आयत सुपर जोजो देख रही है। आयू तैयबा आपको भी पसंद है? नहीं, इसकी वजह से इनको भी यही देखना पड़ता है जो आयत देखती है। आयत अब किसी को भी नहीं देखने देती। आधे किलो दूध दे दे। कपकेक दे दो, ये वाले। कराची में आज भी जो है ना मौसम बारिश वाला बना हुआ है, आज भी बारिश होगी। और ये रहा सामान जो कि मैं लेके आ चुकी हूँ। क्या था इसमें? दूध लेना था चाय के लिए, और आयत के लिए दही लेनी थी, और आयत कपकेक बहुत शौक से खाती है वो लिए, और फाइनली हम घर भी पहुँच गए। आयत ये देखो आपके कपकेक। वाह, एक बहना को भी दो। आयत एक बहना को दो। ले लो। अच्छा, आयत को चावल खाने हैं। आयत के चावल नहीं बने ना आज, इसलिए देखो आयत अपने चावल निकाल रही है खाना बनाने के लिए, अपना खुद ही खाना बना रही है। बाहर आ जाओ, मम्मा आपको चावल बना देती। आ जाओ, छोड़ दो छोड़ दो हो। आयत अपने चावल सारा नहीं डालना, आयत पूरा बॉक्स ही खाली कर दिया। आपको इतने काफ़ी हैं। ये देखें आयत क्या हाल करके गई है, सारे चावल फैला के गई है। असल में उसे भूख लग रही है, शायद इस वजह से तंग करी, या फिर उसे नींद आ रही थी तो मैंने उसको दूध दे दिया, वो सो रही है। और अब उसके चावल जो है ना मैंने भिगो के रख दिए हैं, उसके डेली के तकरीबन ऐसे 2 से 3 चम्मच के जितना हम भिगो के रखते हैं उसको काफ़ी हो जाते हैं। ये डिश देखें, कुछ दिन पहले ही आपको ये डिश दिखा होगा, बिल्कुल सही था, बिल्कुल ठीक था। और ये मेरे इस बेटे के काम है, इसने फुटबॉल मारी है, और ये देखें बिल्कुल न्यू डिश था और तोड़ के रख दी। क्योंकि कल भी जो है ना जहाँ मेकअप करने गई थी वहाँ पे मैं काफ़ी लेट हो गई थी, और जो है ना आज हमने जल्दी जाना है क्योंकि आज ब्राइडल का मेकअप भी है, वलीमे का मेकअप करना है, और बाकी भी 3-4 से ज़्यादा हैं शायद। लेकिन मैंने कहा हुआ है उनको कि मैं 2 से ज़्यादा नहीं कर सकूँगी क्योंकि ब्राइडल भी है साथ और टाइम बहुत कम है। तो देखते हैं, अगर ज़्यादा हो सका तो वो करूँगी और वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी चाय पी लेते हैं, मज़े की बनी है। और बच्चों को भी ना ट्यूशन साथ लेके जाऊंगी, बच्चों को भी ट्यूशन छोड़ना है। नहीं आज आपका ट्यूशन? यस, सैटरडे। अच्छा, सैटरडे को आपका ऑफ होता है? संडे को भी। संडे को भी, अच्छा 2 दिन जो है ना ट्यूशन की भी छुट्टी है, स्कूल की भी छुट्टी होती है ना, तो आज दोनों की छुट्टी है। चलो इनको ट्यूशन नहीं छोड़ना, फिर सब घर पे ही बैठेंगे और मैं मेकअप करने के लिए जाऊँगा। वीडियो बनाते बनाते जो है ना मेरे मोबाइल की जो बैटरी है वो भी डाउन हो गई है, तो जल्दी से इसको भी चार्ज पे लगा देते हैं। और आयत के काम देखें, आयत भी मेरी गोद में ना आ गई है मिल्क लेकर। आयत आपको सिर्फ यहीं सुकून मिलता है, मम्मा की गोद में, और कहीं पे भी नहीं सोना, सिर्फ मम्मा की गोद में ही सोना है। और मैं कोशिश करती हूँ कि आयत को अपने बच्चों को ज़्यादा जो है ना इन्जॉय करने दूँ, क्योंकि क्या होता है कि अब मुझे भी अपना बचपन के जो दिन होते हैं ना वो बड़े याद आते हैं, और जब इनका भी टाइम ऐसे पता नहीं चलता बच्चों के बड़े होने का, और टाइम इतना तेज़ी से गुजर रहा है कि फिर बच्चों को यही अपना टाइम याद आएगा, हम ये करते थे तो मम्मा ये इनसे भी मना करती थी, इससे भी मना करती थी। मैं कोशिश करती हूँ कि इनको इन्जॉय करने दूँ ज़्यादा। अच्छा अभी जो है ना लेट हो रहा है, तो जल्दी जल्दी से सामान सारा मैंने पैक कर दिया है, वैसे का पड़ा हुआ है जैसे कि कल मैंने इसके अंदर डाल के रखा था। और आज जो है ना ये सारी चीज़ें भी साथ लेके जानी है, क्योंकि बाल भी उनके बनाने हैं, ब्लो ड्राई भी मशीनें सारी डालनी है, और जिनसे कर्ल्स करना है वो रॉड भी, ये वाला ये रॉड भी मैंने अंदर डाल दिया क्योंकि कर्ल्स भी करने पड़ेंगे। और आज वलीमे का मेकअप है, तो वलीमे में ज़्यादा जो बाल होते हैं ना वो खुले होते हैं, बंद अच्छे नहीं लगते, तो बस इन जल्दी से इनको बंद कर। फाइनली जो है ना हम घर के पास पहुंच चुके हैं जहां पर मुझे मेकअप करने के लिए जाना था। और ये देखिए इतना वजनी सामान भी है मेरे पास,
जो कि सारा मैंने एक साथ उठाया हुआ है। अच्छा, ये वीडियो उस दिन की है जिस दिन मेरे हस्बैंड की दूसरे दिन बारात थी। उससे पहले दो दिन जो मैं मेकअप करने के लिए गई थी, एक दिन मैंने बारात का मेकअप किया था वो भी शेयर किया था, दूसरे दिन मैंने वलीमा का मेकअप करना था उनके लिए मैं गई थी, और वीडियो मैं उस दिन अपलोड नहीं कर सकी थी क्योंकि मेरे अंदर उस टाइम बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो आज जो है ना, आप सब ने इतने ज़्यादा मुझे कमेंट किए, दो दिन से मेरे ऊपर वीडियोज़ बनाई जा रही हैं कि सितारा कहाँ चली गई हैं, आप जल्दी आएँ, वीडियोज़ हमारे साथ शेयर करें, वीडियोज़ बनाएँ। तो मैंने कोई वीडियो शूट तो नहीं की, लेकिन उस दिन का जो व्लॉग था वही मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। और साथ साथ जो है ना, आप सबका थैंक यू सो मच। आप सब मुझे इतना मिस कर रहे थे कि आप ही जल्दी कोई व्लॉग बनाएं। इंशाल्लाह मेरे अंदर दो तीन चार दिन जो थे वो हिम्मत नहीं थी, लेकिन आप सब ने इतना कमेंट किए, इतना मेरा इंस्टाग्राम मैसेज से भरा हुआ है और यूट्यूब पर आपके कमेंट से भरा हुआ है कि जल्दी आएँ, वीडियोज़ हमारे साथ कोई शेयर करें। तो बस अब जो है ना, इंशाल्लाह मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगी कि वापस से जो मैं एक स्माइल लेकर आपके सामने आई थी, इंशाल्लाह उसी तरीके से वापस आऊँगी और आपके साथ अच्छी अच्छी वीडियोस शेयर करूँगी। कुछ दिनों के लिए ऐसे लग रहा था कि नहीं, मैं वीडियोस नहीं बना पाऊँगी, चैनल नहीं चला पाऊँगी, मेरे अंदर अब और हिम्मत नहीं है इसको और आगे बढ़ाने की। लेकिन अभी मुझे बहुत ही प्यारा किसी मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि ना, आप कैसे हिम्मत हार सकती हैं, एक औरत हिम्मत हार सकती है, एक बीवी हिम्मत हार सकती है, लेकिन एक माँ हिम्मत नहीं हार सकती। तो वो बड़ा ही प्यारा कमेंट था, बड़ा ही प्यारा मैसेज मुझे किसी ने किया है कि एक माँ हिम्मत नहीं हार सकती। वाकई में हर औरत जो है ना, ऐसे मोड़ आते हैं कि वहाँ हिम्मत हार जाती है, लेकिन माँ जो है ना वो अपनी औलाद के लिए हमेशा करती रहती है और वो कभी भी हिम्मत नहीं हारती, क्योंकि उसको पता है कि उसको अपनी औलाद के लिए खुद ही उठना है, खुद ही सब कुछ करना है अपनी औलाद को, और माँ जो है ना वो कभी भी नहीं छोड़ती और उनके लिए हमेशा करती रहती है। अच्छा, ये था वलीमे का मेकअप, दोनों सिस्टर का मैंने वलीमे का मेकअप किया था। अच्छा, एक पहले था जो कि मैंने आपको उनका ड्रेस दिखाया है, उनके साथ उनको पिंक कलर का इस तरीके से पर्पल सा मेकअप चाहिए था और इनका इस तरीके की मैक्सी थी, इनके साथ मैंने इस तरह का मेकअप किया था। और ये देखें, ये इनका लुक का है। इसके साथ साथ मैंने ब्राइडल मेकअप किया था, काफ़ी थकावट हो गई थी और ब्राइडल को जो है ना अलाउ नहीं था, तो ब्राइडल का मैंने आई थिंक, हाँ, उन्होंने अपनी ड्रेस की मुझे थोड़ी सी वीडियोस लेने दी थी जहाँ पर उनका सिर्फ और सिर्फ आपको ड्रेस शो होगा, जो कि वलीमे का उनका ड्रेस था। और जो है ना, और इससे ज़्यादा मैं कुछ भी शूट नहीं कर सकी क्योंकि उस दिन जो है ना काफ़ी थकावट हो गई थी, मेकअप बहुत था और ब्राइडल का मेकअप करते करते फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मैंने आज बता दिया है कि इंशाल्लाह मैं दोबारा व्लॉगिंग शुरू करूँगी, वीडियोज़ अपलोड करूँगी। अल्लाह हाफिज़।